गोवर्धन डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी पशुपालक भाइयों को संदीप स्वामी की तरफ से राम राम, नमस्कार, स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो विजिट है हमारी चौधरी डेयरी फार्म, जिला श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान। आगे पूरी बातचीत करेंगे भाई साहब के साथ। जो पशुपालक भाई आज हमारी वीडियो आपके अपने इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन घंटी के निशान के ऊपर जरूर से प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप भाइयों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप एक अच्छे पशुधन का चुनाव कर सकें। तो भाई साहब के पास कस्टमर भी आए हुए हैं, उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। तो सभी भाई वीडियो के एंड तक पूरा देखें। भैंसें भी सेल के लिए अवेलेबल है, उनकी भी आपको प्रॉपर जानकारी शेयर की जाएगी। तो आगे की बातचीत करते हैं भाई साहब के साथ। राम राम भाई साहब। राम राम संदीप भाई। राम राम वीडियो देखने वाले भाइयों को भी राम राम। तो अपना शुभ नाम और प्रॉपर एड्रेस बताएं जी। शुभ नाम है जी मेरा प्रदीप चौधरी जी। एड्रेस है जिला श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से बनकर 2.5 किलोमीटर अपना फार्म है जी, चौधरी डेयरी फार्म के नाम से, कोका कोला फैक्ट्री के पास मोहनपुरा रोड पे, बंबू फार्म हाउस। बाकी कोई भी भाई अपना व्हीकल लेकर आ रहा है तो एक बार फिर से सभी भाइयों को इनका एड्रेस मेंशन कर देता हूं। जिला है जो श्री गंगानगर है, राजस्थान का एरिया है। श्री गंगानगर जिले के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर डेयरी फार्म है। कोई भी भाई स्टेशन से आके ऑटो वाले को बोल सकते हैं कि कोका कोला फैक्ट्री जाना है, सभी भाई बता देंगे। बाकी भाई साहब की गूगल मैप पर लोकेशन भी आप चेक कर सकते हैं, प्रदीप चौधरी डेयरी फार्म के नाम से श्री गंगानगर लिखा आएगा, इनकी करंट लोकेशन आ जाएगी डेयरी फार्म की। तो भाई साहब अभी मौजूदा भैंसे कितनी है सेल के लिए? 15-20 भैंस है संदीप जी, सभी सेल के लिए ही है। सेल के लिए सारी सारी जी। तो कॉन्टेक्ट नंबर बताना जी एक बार। 9462-66528। तो यह नंबर व्यूवर्स आपको नीचे स्क्रीन पर भी मेंशन होंगे। इसके बाद में भाई साहब के पास कस्टमर आए हैं, उनसे चंद बात कर लेते हैं, आगे भैंसों की डिटेल बताएंगे जी। बुलाओ जी पहले। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। राम राम। तो खान साहब सबसे पहले अपना शुभ नाम और प्रॉपर एड्रेस बताएं जी, कहां से आए हो आप? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है और जिला मुजफ्फरनगर है, गांव कमेड़ा है, तहसील जामचा। तो भाई साहब से संपर्क कैसे हुआ था जी? यूट्यूब के माध्यम से हुआ। जैसा यूट्यूब पर दिखाया गया खान साहब, वैसा यहां पर आने के बाद देखने को मिला जी? बिल्कुल वैसा ही मिला जैसा यूट्यूब पर दिखाया गया। तो एक बार फिर से अपना एड्रेस बताना जी, कौन सा गांव कौन सा है? ग्राम कमेड़ा जी, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील जामचक, ब्लॉक मोरमा। तो ये खान साहब आए हैं मुजफ्फरनगर यूपी से। जैसे खान साहब ने बताया कि भाई साहब से यूट्यूब के माध्यम से यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क हुआ था, तो खान साहब आप कब आए थे? मैं परसों आया था। परसों आए थे, यानी कि अभी क्या टाइम हो चुका है जी, डेट बताना जी, अभी जो वीडियो बना रहे हैं अपने। 1:36 खान साहब आप बताओ, 1:36 आप अपने मोबाइल में देख के बताओ। 1:35 हो चुकी है। तो दोस्तों आपको टाइम और डेट फिर से दिखा देता हूँ, ये आप मोबाइल में देख सकते हैं। 1:36 पर 19 अक्टूबर आज का टाइम और डेट व्यूअर्स के सामने है, जो वीडियो बनाने का समय है। तो खान साहब आपने कितनी भैंस भाई साहब से रखी है? हमने दो भैंसे रखी है। दो भैंसे रखी है, दो भैंसे डेयरी फार्म से रखी है कि बाहर से रखी है? डेयरी फार्म से रखी है। तो बाहर से भी भाई साहब ने भैंसे दिखाई कि नहीं दिखाई? बाहर से भी फील्ड में भी घुमाकर भैंसे दिखाई है, और वहां पर मतलब क्या रेटों में नहीं पसंद आई कि भैंस नहीं पसंद आई? कुछ तो भैंस रेट में पसंद नहीं आई, कुछ भैंस पसंद नहीं आई, कुछ भैंस नहीं पसंद आई। यानी कि भाई साहब के डेयरी फार्म से दो भैंसे आपने यहीं से रखी है, तो फिर से आपने 2 दिन हो गया एको, फिर तो बराबर दूध भी देखा होगा। कितने टाइम देखा है? यानी कि टाइम टू टाइम दूध देखा है, पूरी संतुष्टि की है, तसल्ली की है। तो खान साहब रहने सहने की व्यवस्था जी? रहने सहने के भाई घर जैसी व्यवस्था है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, रहने सहने में बहुत बढ़िया है, इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। किसी प्रकार की आप इतनी दूर से आए, कोई आपको दिक्कत परेशानी तो नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। डेयरी फार्म से जो भैंसे रखी आपने, वो दोनों का घर पहुंच प्राइस में रखी है कि अलग से? घर पहुंच में। घर जो भी भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को बताना चाहूंगा, घर पहुंच का प्राइस होता है जो भाई साहब जैसे यूट्यूब के माध्यम से, जैसे इनकी डेयरी फार्म है, वो भैंसों में ऐड करके बताया जाता है, सही है ना खान साहब? क्योंकि कई बार
कई भाइयों के जैसे आया था कि मन में शंका आती है कि जैसे कोई स्कीम होगी, कोई मतलब कोई स्कीम चलती होगी वहां पर, ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि बाहर से जैसे भैंस लेंगे तो उसका ब्रोकरी चार्ज अलग रहेगा, जो लेने वाले का भाड़ा भी उसका लगेगा, सही है ना। हाँ, जो क्यों दिलाने वाले को खर्चा भी देना पड़ेगा और गाड़ी वाले का जो चार्ज रहेगा वो भी अलग से रहेगा। जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा। तो खान साहब, आप व्यवहार के बारे में बिल्कुल संतुष्ट हो जी? आप आपकी बिल्कुल मतलब दूध निकालने में, भैंसों में, हर चीज में पूरी सहायता की है, पूरी तसल्ली कराई है। कोई भी भाई और भी जैसे आना चाहता है इनके पास तो क्या कहना चाहोगे जी? मैं जो भी आना चाहता है ये बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं जी, और अपनी मर्जी से किसी को पशु नहीं दिलवाते। ठीक है, लेने वाले की मर्जी है तो दिलवाते। यानी कि किसी से कोई धक्का जबरदस्ती नहीं है, आप भी बाहर फील्ड में घुमा कर गए हो, कोई धक्का जबरदस्ती नहीं है। खान साहब एक बार माइक पकड़ो आप। तो जैसे भाई साहब के पास इतनी भैंसें खड़ी है, आप एक बार लाइन से लेकर सभी भैंसों की अपने मुंह से डिटेल बताना। जैसे दो दिन हो गए आपको भाई को, बराबर आपने दूध देख रहे हो, तो किस समय कितना कितना दूध है आप बताना जी अपने मुंह से। भाई साहब ये भैंसें खड़ी करना इधर से आप, चलो खान साहब वहां से एक नंबर से। तो दोस्तों सभी भैंसों की आपको डिटेल एक बार खान साहब के मुंह से आपको बता देता हूं, क्योंकि सभी भैंसें वीडियो के अंदर नहीं दिखाई जाएगी। जो भी भाई जैसे लेने का इच्छुक होता है, भाई साहब के स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, आप इन नंबरों पर स्क्रीनशॉट लेकर उस भैंस की डिटेल पूछ सकते हैं। तो जी खान साहब इसकी डिटेल शेयर करेंगे। 2:30 बजे करीब भाई साहब के फार्म पर कल ही पहुंची है। भाई साहब खोलना जी झोटी को। एक बार जैसे किसान के खूंटे पर कच्चे खूंटे से भैंस आती है तो न्यार का करती है थोड़ा। तो दोस्तों बिल्कुल छोटे गोल्ड रिंग सिंह की मुर्रा जोटी है, और ये जो भाई साहब के पास कस्टमर आए हुए हैं उनसे इन भैंसों की डिटेल आपको पूछकर शेयर कर रहा हूं। बिल्कुल कालीकट ब्रीड देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है, अडर क्वालिटी है वो भी काफी शानदार है, मुट्ठी वाला अंचल है देख सकते हैं। जी खान साहब इसकी अब डिटेल बता दो। सुबह कितने सभी भैंसों का खान साहब अपने जब वीडियो बना रहे हैं कितने बजे दूध निकला है सभी भैंसों का? सभी भैंसों का जो है 5 बजे से स्टार्ट कर दिया था दूध जी, और 6 बजे सब 6:30 बजे तक निकलता है, और शाम को जी शाम को और शाम को भी 4 बजे से 5:30 बजे तक निकल गया था। शाम को या 4 बजे लग जाते हैं, यानी कि 4 से 6 और सुबह 5 बजे के समथिंग। तो इस जोटी में अब कल आई थी भाई साहब के पास, तो इस जोटी में अभी दूध कितना है जी? भाई कल जब आई थी तब तो दूध इसमें बहुत था, लेकिन इसने पूरी रात घास नहीं खाया, सुबह इसने 4.5 किलो दूध 3 थनों का, 1 थन बच्चे को पिलाकर, यानी कि 4 थनों का दूध 4.5 किलो दिया है, यानी कि पूरा दूध माने तो अभी 6-6 लीटर यानी कि 12 लीटर दूध है जी। और प्रदीप भाई आप इसकी थोड़ी डिटेल बता दो पास में आके, अब इधर खान साहब के पास में आए दूसरे भी आई है जी, दूसरे इधर भाई साहब माइक की तरफ। हाँ जी, दूसरे ब्यांत में भी आई है। अच्छा, ब्यांत में भी आई है जी। जी मालिक के घर से संदीप जी 14 किलो दूध निकाल के दिया, फिलहाल अभी नार नहीं खा रही तो आपको पता दूध घटी देगी, 10 से 1 किलो दूध है जी। जी जब नार खाने लगी 2 दिन बाद में तो 14-15 किलो दूध नाप के, 14-15 किलो दूध खान साहब दे देगी खुला, इसमें कोई झूठ वाली तो बात नहीं है। शाम को जब भाई खान साहब के सामने निकाला था 6.5 किलो दूध है जी, 6.5 किलो था ना खान साहब जी, क्योंकि एक बार नया पशु आता है तो करता है जी। वो सारी रात ही खान साहब को पता है, यहाँ लेटे थे सारी रात ही बोल रही थी। तो भाई साहब अगर अपने प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस जी, नहीं कई बार मेरी बात सुनो जैसे मौके पर होता है। चलो भाई साहब का ये स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं, सही है ना। जिस भैंस अपने जो भैंस प्रॉपर वीडियो में दिखा रहे हैं उसकी रेट भी बताया जाएगा, जो वीडियो में अपने प्रॉपर दिखाएंगे उसका रेट भी बताओगे। तो खान साहब एक बार अपना खान साहब की तरफ करना जी माइक। खान साहब जैसे आप श्री गंगानगर के क्षेत्र में कब से आ रहे हो, कितना समय हो गया? इधर आ जाओ धूप आ रही। अच्छा जी, अच्छा जी, यानी कि काफी लंबे समय से आ रहे हो। तो आइडिया से आप कितने की भैंस ले गए हो? पहले तो भैंस जो है 80-85 इस रेंज में ले गए। अच्छा जी, नहीं आइडिया से मतलब यहाँ से गंगानगर से 10-20-50 कितनी भैंस आइडिया से ले चुके हो अभी? 50-60 भैंस ले चुके हो। और कब से आ रहे हो श्री गंगानगर क्षेत्र के अंदर? करीबन 5-6 साल से आ रहे हो। तो खान साहब जैसे जो भाई वीडियो देख रहे हैं, कई भाइयों के मन में यह होता है कि वहां पर भैंसों को क्या खिलाया जाता है, तो जैसे आप 2 दिन से इधर और पुराने भी आ रहे हो, जो यहाँ पर
दाना जो इन भैंसों को फीड खिलाया जाता है, कहने का मतलब है वो बताना जी क्या क्या खिलाते हैं, क्योंकि कई बार कई घरों में जाके मन नहीं लगाते पशु तो सा। जी जी ये चने का जो है छिलका, ये चने का छिलका है, कई भाई सोच लेते हैं कि चना है, चना नहीं है छिलका है, ऊपर का जो छिलका होता है। जी खान साहब दूसरा जी, और इसमें क्या क्या ऐड किया गया हुआ जी? नहीं आपको जी खड़ बिनोले की है, बिनोले की खड़, और जी और भी है, गेहूं का दलिया है, गेहूं का दलिया है, चने का छिलका, कपास की यानी कि बिनोले की खड़ होगी, चने का छिलका हो गया, यही तीन चीज होती है भाई साहब। तो यही चीज तीन चीज खिलाई जाती है और भैंस को पर्याप्त मात्रा में खिलाई जाती है, यानी कि समझे। तो खान साहब इससे आगे दूसरी भैंस की डिटेल बताना जी, जो दो नंबर पर खड़ी है अभी, आप बताओ खान साहब अपने मुंह से, जो भाई वीडियो देख रहे हैं जैसे पता भी चल जाए, जितना दूध देखा आपने, खोल दो जी प्रदीप भाई खोल दो। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर यह जोटी है, भाई साहब के पास कस्टमर आए हुए, इन्होंने दो टाइम दूध देखा है, दो क्या दो दिन से आए हुए हैं, इन प्रॉपर दूध देख रहे हैं और आपको खान साहब ही डिटेल बताएंगे अपने मुंह से, बाकी आप खुद यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी संतुष्टि कर खरीद कर लेके जा सकते हैं। जोटी भी काफी शानदार है, हाइट लेंथ की बात करें वो भी काफी शानदार है, खोलकर आपको चलाई गई है, चलाकर दिखाई गई है, जड़ थन है वो भी बिल्कुल ओके है, छोटे गोल्ड रिंग सिंह की अडर क्वालिटी है, थनों का गेप है वो भी देख सकते हैं, काफी शानदार है। जी खान साहब इसकी डिटेल बताएं जी। भाई इसका दूध जो है ये मेरे साथ है, इन्होंने देखा है इसका 4.5-5 किलो यूज करता है, उसका पल्ली का। अच्छा जी, इसका 6.5 किलो दूध जो है इस भैंस का इन्होंने देखा है। जी मैंने 5-16 दूध देखा निकलता है। अच्छा जी, यानी कि 6-6.5 लीटर एक टाइम का, यानी कि 13 किलो के आसपास, 12 लीटर ठंडा दूध है इसके, 12 लीटर अभी ठंडा दूध है। भाई माइक पकड़ो प्रदीप भाई। तो प्रदीप भाई कौन से ब्यात में कब की ब्याई हुई है? 5 दिन की ब्याई हुई है, सही है खान साहब, कच्चा ही बच्चा है। तो 5 दिन की ब्याई हुई है, दूसरे ब्यात की जोटी है, अभी मौके का दूध खान साहब ने बताया कि 12 लीटर है, इतने ठीक है जी। तो दूध कितना दे देगी प्रॉपर? 16 लीटर तक दूध इसकी क्षमता है यानी कि। और प्राइस? प्राइस तो संदीप जी इसका तुमने बताया जी, ऐसे कोई फायदा नहीं, जब दूध तैयार होगा तो बता देंगे आपके साथ। बाकी कोई भाई लेने का इच्छुक हो फिर आइडिया बता दो ना, जैसे कई भाई सोचेंगे कि मतलब प्राइस नहीं बताया, मेरी बात सुनो, अगले भरेगी तो ले लेंगे, सही है ना? बिल्कुल तैयार हो जाए दूध, हो जाए कोई बात नहीं, आप एक नंबर से लेके प्राइस बता दो जी, कोई बात नहीं। एक नंबर वाली है, 1.15 की दे दोगे, ठीक है जी। दो नंबर वाली? 1.15 की, दो नंबर वाली भी 1.15 की, क्योंकि जब भाई वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा, सही है ना खान साहब? तो इसकी भी प्रॉपर डिटेल आप भाइयों को शेयर की गई है, दोनों का 1.15-1.15 डिटेल भाई साहब ने बताई है, दोनों ही अच्छी जोटी है, छोटे छोटे गोल्ड रिंग सिंह की, ब्रीड भी काफी शानदार है। और तीसरे नंबर पर ये तैयार नहीं है भैंस, इसकी रहने देते हैं फिर, अभी तैयार नहीं है यानी कि भैंस, अभी तो क्या होगा, कोई 12 किलो दूध तो नाम पर का ये खाएगी तो दूध देगी। जी जी, तो दोस्तों इसकी डिटेल आप स्क्रीनशॉट लेके भाई साहब से ले सकते हैं, अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है, पहले भी भाई साहब बता रहे थे, बाकी भैंस बहुत अच्छी है, पिट्ठे की भी बहुत अच्छी है जी। अब बुरी जोटी आ गई जी, इसकी डिटेल बता दो जी। पहले संदीप जी फर्स्ट टाइमर जोटी है, खोल कर चलाओ जी आप, राजी साहब से पूछो जी, राजी साहब पकड़ो मैं भैंस पकड़। तो दोस्तों भूरी नीली रावी के अंदर है खान साहब, सही है ना? भूरी नीली रावी दोस्तों बिल्कुल छोटे गोल्ड रिंग सिंह की जोटी है, बहुत से भाइयों की डिमांड भी है भूरी नीली रावी भैंस दिखाएं, और मिलती भी बहुत रेयर है, और इसकी भी हाइट लेंथ की बात करें तो देख सकते हैं काफी शानदार है, सिंगल हड्डी की जोटी है, पीठ पुट्ठा भी काफी शानदार है, और अडर क्वालिटी है, चारों थनों का गेप है वो भी देख सकते हैं, काफी शानदार है, चलाते रहो जी, ले आओ भाई साहब वापस ले, देख सकते हैं दोस्तों काफी शानदार भैंसें आज की वीडियो में आपको दिखाई जा रही है, सभी की सभी टॉप क्लास की भैंसें भाई साहब की डेयरी फार्म पर मिलेगी, ऐसा नहीं है कोई भी माड़ा डंगर होगा, सही है ना खान साहब? जितनी भी भैंसें हैं सभी साफ सुथरी अच्छी भैंसें हैं। जी जी, तो खान साहब अपने अपने मुंह से अब इसकी डिटेल बताएं, इसका दूध आपने देखा कि नहीं देखा पहले बताओ जी। अच्छा जी, तो कितना दूध इसके अभी है जी खान साहब? जी 6-6.5 किलो, अभी इसके भी 12 किलो दूध है,
12 किलो दूध है, बियाई कितने दिन की होगी है? चौथा दिन है, यानी कि 4 ही दिन की बियाई हुई है, 12 किलो दूध है। और पीछे क्या है जी? पीछे इसके देखना पड़ेगा जी, यही है जी इसका पीछे। पीछे क्या है बताओ जी? पीछे क्या है जी? कटिया संदीप, पीछे कटड़ी है। तो ये कटड़ी है दोस्तों, फीमेल काप कटड़ी है इसके पीछे। और अभी 12 किलो दूध तैयार है। कौन से ब्यांत की है जी? पहले ब्यांत के संदीप जी। फर्स्ट टाइमर नीली रावी ब्रीड के अंदर भूरी जोटी है। और दूध कितना दे देगी प्रॉपर? ये 15-16 किलो देना चाहिए। 15-16 लीटर दूध निकाल देगी। 15 किलो खान साहब इतना दूध निकाल देगी? निकाल देगी। क्यों? अभी जैसे ताजी ब्याई हुई है खान साहब, आप आना जी, जैसे ताजी ब्याई हुई है तो अभी 12 किलो दूध तैयार है, तो 15 तो निकालना ही चाहिए जी। तैयार है जी। और इसका रेट प्रदीप भाई? ये संदीप जी आपको 1-10 की पहुंच दे देंगे। 1-10 की पहुंच दे दोगे तो 1,10,000 रुपए दोस्तों इसका प्राइस भाई साहब ने बताया। इसका भी बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है। बाकी स्क्रीन पर भाई साहब के नंबर शो हो रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी प्राइस बता रहे हैं वो फिक्स है कि मान समान हो जाएगा? मान समान है, बिल्कुल रेडी रेट है जी। फिक्स प्राइस है। यूट्यूब पर जैसे वीडियो बनती है फिक्स ही प्राइस डलता है, क्यों यहाँ पर खुद इंसान आया होता है तो बार्गेनिंग भी हो जाती है। सही है ना खान साहब? हाँ, यहाँ पर आया होता है तो बार्गेनिंग भी हो जाती है, मोल भी अनाप शनाप मांगा जा सकता है। और जो वीडियो लगती है उस पर रेट वो भी मांगा जाता है जो लेने वाला होता है फिक्स। इससे आगे जी एक बुरी जोटी, ये खीरी जोटी, खीरी है अदंत है यानी कि। तो दोस्तों बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, जोटी भी देख सकते हैं आप भाइयों के सामने है, बहुत ही शानदार। जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है, बिल्कुल छोटे गोल्ड रिंग सिंह की जोटी है। पीठ पुटा हाइट लेंथ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। खोलकर चलाओ जी, खान साहब को दे दो इसका माइक। खान साहब अब इसका दूध तो मैंने सुबह भी देखा, शाम भी देखा, दो टाइम दूध देखा है आपने? देखा है खुद ने? बस खान साहब एक मिनट रुक जाओ फिर। तो दोस्तों जोटी को आपको खोलकर चलाकर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल छोटे गोल्ड रिंग सिंह की जोटी है। पीठ पुटा रबर क्वालिटी भी देख सकते हैं, चारों थुनों के बीच में गैप भी देख सकते हैं, और समय भी आपको दिखाया गया है। सुबह मॉर्निंग में दोस्तों सभी भैंसों का 5-5:30 बजे के करीब दूध निकला हुआ है। और अभी जो वीडियो बना रहे हैं वो भी आपको टाइम और डेट व्यूअर्स को दिखाया गया है। जोटी देख सकते हैं, बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। बिल्कुल छोटे गोल्ड रिंग सिंह की जोटी है, ले जी वापिस ले, अदंत है, खीरी जोटी है, बिल्कुल छोटे गोल्ड रिंग सिंह की। और फेस भी देख सकते हैं आप भाइयों के सामने है, ले भाई साहब। तो इस जोटी की डिटेल खान साहब से लेंगे पूरी डिटेल। और जो ऑर्डर क्वालिटी है, चारों थनों के बीच में गैप है वो भी देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। पीठ पुठा हाइट लेंथ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज की वीडियो में दोस्तों खूबसूरत खूबसूरत जोटियां आपको दिखाई जा रही है। आओ खान साहब, अब आपने दोनों टाइम इसका दूध देखा है? मैंने इसका दोनों टाइम निकाल के दूध देखा, शाम भी और सुबह भी, टाइम टू टाइम। कितना दूध है जी अभी भाई? इसमें जो है 13 लीटर दूध तैयार। 13 लीटर दूध कांटे वाला है कि ठंडा? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल कांटे वाला दूध। 13 किलो दोनों टाइम का, अभी 6.5 किलो एक टाइम का रेडी रेट दूध है। तो बच्चा कौन सा प्रदीप भाई? ये बच्चा है, लोया बच्चा, ये बच्चा है। और पीछे कटड़ा है? पीछे कटड़ा है दोस्तों। 13 लीटर अभी खान साहब बता रहे हैं बिल्कुल दूध रेडी रेट है। तो दूध और भी बना देगी जी? हाँ जी, दूध तो 1 महीने तक बढ़ेगी संदीप जी। खीरी कटड़ी है यानी कि फर्स्ट टाइमर जोटी है, 1 महीने तक दूध बढ़ती बढ़ती है। और दूध हाँ जी, बहुत ही शानदार, यानी कि बजट में नहीं आई, समझे कि मतलब पैसों से बजट में नहीं आई। प्रदीप भाई माइक लो जी। हाँ प्रदीप भाई, इसकी अब प्रॉपर डिटेल शेयर कर दो जी, कितने दिन की ब्याई हो चुकी? मुंह से खीरी है, दो दांत मान सकते हैं। और 13 किलो 12 किलो मानो संदीप जी, 12-13 किलो दूध अभी रेडी रेट है। अच्छा जी, जी जी। और कितने समय की ब्याई होगी? ये संदीप जी ब्याई होगी 14 दिन की। 14 दिन की ब्याई हुई है। और प्रॉपर दूध कितना बना देगी? 15 किलो दूध बनाना चाहिए। 15 किलो फर्स्ट टाइमर दूध दे देगी आराम से। और रेट जी? ये पाकिस्तानी संदीप जी, रेट तो जितना मांगे उतना
देने वाला रेट जी, देने वाला 1.5 लाख की दे देंगे। 1.5 लाख रुपए की, 1,50,000 रुपए की। तो 1,50,000 रुपए दोस्तों इसका प्राइस भाई साहब ने डिमांड की है। जोटी आपको अच्छी तरह खोल कर चला कर दिखाई गई है। नीचे भाई साहब के स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। इस एच एफ गाय की तरह ठीक है जी। इससे आगे जी खड़ी करना जी, दोनों सींग हिलते हैं, सींग बड़े हैं दोस्तों पर दोनों सींग हिलते हैं। खड़ी कर लो जी, जी खड़ी करो जी। तो इसकी भी डिटेल आप भाइयों को शेयर कर देता हूं जी। भाई साहब खोल कर चलाओ जी, अब खान साहब को दे दो। खान साहब इसका दूध देखा कि नहीं देखा आपने? दोनों टाइम देखा है, ये आपके साथ ही आए हैं आप? एक ही काम से हो सभी? गांव तो अलग अलग है इनका, बोका रेडी गांव है। हाँ जी बोका रेडी गांव है, जिला मुजफ्फरनगर। बोका रेडी, अच्छा जी। तो दोस्तों ये मीणी भैंस आपको खोलकर चलाकर दिखाई जा रही है। दोनों सींग हिलते हैं, हाइट लेंथ इसकी भी अच्छी है और ऑर्डर क्वालिटी है। चारों थनों के बीच में गैप है, वो भी देख सकते हैं, काफी शानदार है। और इसकी डिटेल खान साहब से लेंगे, दोनों टाइम का खान साहब ने दूध देखा है। खोलकर आपको सभी भैंसे दिखाई गई है प्रॉपर। ले आओ जी, और ऑर्डर क्वालिटी आप करीब से दिखा देता हूं। चारों थनों के बीच में गैप है, वो भी देख सकते हैं, बहुत शानदार है। मुर्रा ब्रीड के अंदर भैंस है दोस्तों। हाँ जी खान साहब, अब आओ जी पास में आप, अब इसकी डिटेल बताओ जी। दोनों टाइम कितना दूध देखा है? दूध तो इसमें बहुत है, लेकिन इसके मामूली सा जो है, एक थन में बच्चे ने दांत मार रखा। हाँ जी, वो भी मैं इस प्रश्न बताओ जी 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 जी। और दूध तो जो है भाई ने पहले 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 वो थन ही दिखा देते हैं। थन दिखा दो इसका जी भाई, कोई लेने वाला जो है। हाँ जी हाँ जी, हाँ ऊपर की साइड है। अच्छा जी, हाँ जी, अब डिटेल कितना बहुत अच्छी है। दूध कितना कितना दूध देखा जी? दूध तो जो है इन भाई ने इसका नापना है, समझो 14 लीटर दूध सुबह शाम दोनों टाइम का 14 लीटर है। ठंडा दूध है, कांटे वाला 14 लीटर दूध है। दूध तो इसकी जो हाइट वाइट है इससे भी ज्यादा है दूध। अच्छा जी, और दूध रेडी रेट है इसका? ब्यांत कौन सा होगा खान साहब? तीसरा ब्यांत है जी, तीसरा ब्यांत। आपने बता दिया, जब जो मेरी बात सुनो, जो भाई ले रहे हैं इनसे ज्यादा आप पर विश्वास करें। आप मतलब ऐसे समझ लो कि भगवान का रूप लेके आए हो जी। बिल्कुल इस पर बता रहे हैं, हमें ना इनके मार्फत लेना जी जी। हमारे पास तो पहले ने बताई है, हम तो दूसरे ना सिंगो से लगे, मुंह से तो बहुत छोटा है। तीसरे तीसरे ब्यांत की, सही है ना खान साहब? मुक्ति बात ये तीसरे ब्यांत की भैंस है। तो तीसरे ब्यांत की दोस्तों दोनों सींग हिलते हैं, मीणी भैंस है। अब दोनों सींग लाना जी, ये एक ला दिया खान साहब, दूसरा आप ला दो जी जी। दोनों सींग हिलते हैं, बहुत बढ़िया वाली भैंस है, बहुत बढ़िया वाली जी जी। तो बांध दो प्रदीप भाई, कितने दिन की ब्याई हुई है ये? पीछे भी कटड़ी है, 15 दिन की ब्याई हुई है, पीछे कटड़ी है। और दूध 14 लीटर तैयार है, सही है खान साहब? बिल्कुल सही। और आओ जी प्रदीप भाई, रेट जी इसका? 1.5 की पौन दे देंगे संदीप जी का। 1.5 की, 1,05,000 रुपए की पौन है ठीक है जी। तो खान साहब जैसे आपने दो भैंसे रखी है, वो किस किस रेट में रखी है वो भी बताएं जी। इधर कौन सी भैंसे हैं? काम की आती है खान साहब जी। भाई ये भैंस तो पहले वीडियो में भी दिखाई थी आपने। लाओ जी माइक दे दो, ये नीली रानी, ये पकड़ो जी माइक पकड़ो खान साहब। जो पहले वीडियो में भी दिखाई थी आपने, जो वीडियो में दिखाई गई थी। तो खान साहब जैसे सबसे पहले तो ये बताएं, आप 2 दिन हो गए आई को, वीडियो में इसका 65,000 रुपए रेट मांगा था, 65 रेट मांगा था दोनों टाइम का। इसका दूध बताया था 10 और 12 किलो के बीच में। 2 दिन से आप आए हो, टाइम तो टाइम दूध देखा है, कितना दूध निकाला है भाई? जितना दूध तुमने बताया दूध दिया जो इन भाई ने लिया, मैंने नहीं लिया। कितना दूध अभी इसमें जो है 11-12 के बीच में, 11-12 तैयार है बीच में, कोई वीडियो में झूठ तो नहीं बताया? और दी उसी रेट में, कोई ऐसा तो नहीं रेट ज्यादा लिया? 65,000 रुपए में घर पहुंच, ठीक है जी। और दूसरी कौन सी है जी? दूसरी है बुरी भैंस है, खड़ी करना जी। तो हाँ जी खान साहब, इसमें कितना दूध है?
तो ये भी दोस्तों भूरी भैंस देख सकते हैं, ये तेलिया भूरी भैंस है। इसके जो ब्लैक डॉट है वो देख सकते हैं दोस्तों आप भैया के सामने, बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। तो खान साहब इसकी डिटेल बताएं जी, कितने रुपए की रखी है? भाई भैंस तो मैंने और ले रखी थी, लेकिन जब इसका दूध देखा मैंने शाम के सुबह भी जी, मैं चक्कर काट गया इसका दूध इसने दिया। यानी कि देखने में चार थन थन दिखाई दे रहे हैं, लेवा ऑर्डर अपने दिखा रहे हैं जो। तो दोस्तों अभी टाइम डेट आप व्यूअर्स को दिखाया दिया गया है, खान साहब ने इसका प्रॉपर दूध देखा है। खान साहब से पूछ रहे हैं कितना दूध देखा है। हाँ जी खान साहब, भाई मुझे इसका दूध है 14-15 किलो दूध है। 14-15 किलो दूध रेडी रेट तैयारी का है, ठीक है जी। वो ये कितने रुपए की रखी है जी? ये मैंने घर पहुंच रखी 97,000 रुपए की, 97,000 की घर पहुंच रखी है। तो इससे आगे दोस्तों एक बहुत ही अच्छी भैंस मैं कहूंगा आगे खड़ी है, इसकी भी डिटेल भाई साहब से लेते हैं। और ये भी नीली रावी ब्रीड के अंदर है। तो जी भाई साहब अंदर ही बाहर अंदर ही खोल कर चला कर दिखा दो जी, खान साहब को दे दो ये माइक। खान साहब, खान साहब अपने मुंह से बताओ जी पहले भैंस कैसी है ये? सबसे पहले आपको यही पसंद आई थी, फिर ये भी पैसों से नहीं पसंद आई, क्या कारण रहा? बस जो मैंने ब्याह वाले है इसलिए नहीं ली। अच्छा ज्ञापन है इसलिए नहीं ली, प्रेग्नेंट है, ले आओ जी वापस ले आओ। जड़ ऐसी लगी है कि जैसे कोई भैंस की, जैसे अपने बोलते हैं कि चब गाय होती है 25-30 किलो वाली, वैसी जड़ की है। तो दोस्तों ये जड़ भी देख सकते हैं जैसे खान साहब बता रहे हैं, ऑर्डर देख सकते हैं, अभी प्रेग्नेंट है, बच्चे को जन्म देने वाली है, चारों थनों के बीच में गैप भी देख सकते हैं, वो भी बहुत शानदार है। तो खान साहब बता रहे हैं कि अभी प्रेग्नेंट है इसलिए मैंने नहीं ली। जी जी, तो प्रेग्नेंट है, आप दो दिन से आए हो, कोई बार पीछे वाली शिकायत तो नहीं? कुछ नहीं दिखाती, यानी कि है बिल्कुल साफ सुथरी, ठीक है जी, बिल्कुल साफ सुथरी है। और जब ठंड जो है बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद है जी। प्रेग्नेंट की वजह से नहीं ली, दे दो माइक दे दो जी उनको। हाँ प्रदीप भाई, कोई भाई लेता है प्रेग्नेंट, कितने दूध की ओट पर इस भैंस को बेचोगे जी? 20 किलो की गारंटी, गारंटी के साथ बेचोगे? फुल गारंटी के साथ दोस्तों, 20 किलो दूध की फुल गारंटी है इस भैंस की, नीली रावी ब्रीड के अंदर है। आपको खोलकर चलाकर दिखाई है, पीठ पुठा हाइट लेंथ आप भाइयों के सामने है। और अभी दिन कितना बाकी है जी? अभी 7 दिन बाकी है संदीप, 1 सप्ताह का समय बाकी है। और रेट जी? रेट संदीप जी 1,40,000 की पहुंच जाएगी, 1,40,000 रुपए। तो दोस्तों सभी भैंसों की आपको डिटेल शेयर कर दी थी, प्रॉपर सभी की आपको प्रॉपर जानकारी शेयर की गई है। बाकी आप ज्यादा ज्यादा खान साहब को देना जी माइक। खान साहब आप 2-3 दिन से इधर हो, कोई भाई ऑनलाइन मंगाता है तो ऑनलाइन में ऐसा तो नहीं है कोई ठगी ठोरी वाला काम? भाई ऑनलाइन में कोई ठगी नहीं है, बाकी अगर आके देख कर उससे बढ़िया कोई बात नहीं, अपनी संतुष्टि होती है। कई बार पशु छोटा पशु बड़ा नजर आ जाता है वीडियो के अंदर, सही है ना, और बड़ा पशु कई बार समझ में नहीं आता। तो इसलिए अपनी राय ये है कि ज्यादा ज्यादा भाई विजिट करके पशु धन यहाँ से खरीद कर लेके जाए, क्योंकि सांस भरी चीज है। विजिट करके लेगा और अपने का भाई दूध देख कर लेगा, मेरी तो यो कहना है। सही है जी, बाकी इंसान बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है, ठीक है। वैसे भाई कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए, तो भाई इन्होंने बेचारों ने घर जैसा व्यवहार करा है, कोई खाने पीने में दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, व्यवहार अच्छा है, बातचीत अच्छी है, ठीक है जी। आओ जी भाई साहब, एक बार फिर से अपना कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस बता दो जी। कॉन्टेक्ट नंबर है संदीप जी 94-602-66-528 जी, जिला श्री गंगानगर स्टेट राजस्थान, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर अपना फार्म है कोका कोला फैक्ट्री के पास, ऑन रोड के ऊपर बांबू फार्म हाउस। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जो भी भाई पशुधन खरीदने का इच्छुक हो तो वह संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सभी भाइयों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।